हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है नो योर साइंटिस्ट के इस नए एपिसोड में। यूं तो घर में चीनी की खपत का हिसाब घर की महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन एक ऐसी महिला भी थी जिन्होंने इस चीनी में कुछ और ही मिठास घोल दी। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे उस भारतीय महिला साइंटिस्ट की जिन्होंने अपनी बॉटनी की रिसर्च से शुगर केन की एक नई ब्रीड को इजाद किया। ये थी पद्मश्री ई के जानकी अम्बल, द फर्स्ट लेडी डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बी कन्फर्ड अ PhD इन बॉटनी फ्रॉम USA। एडवलत कक्कड़ जानकी अम्बल वॉज बॉर्न ऑन 4th November 1897 इन थलसेरी केरला टू द फैमिली ऑफ दीवान एडवलत कक्कड़ कृष्णा। शी मूव टू मद्रास वेर शी ऑब्टेन्ड अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम क्वीन मैरी कॉलेज एंड फॉलोड इट अप विद एन ऑनर्स डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1921। Janaki Ammal then went to the USA for higher studies and obtained a master's degree from the University of Michigan in 1926. On her return, she started teaching at Women's Christian College, Madras. In an age when most women didn't even make it past high school, she obtained a PhD at one of America's finest public universities and became the first Indian woman to be conferred a PhD in botany in the US in 1931. She was the first Oriental Barber Fellow. आइए जानते हैं कि डॉक्टर जानकी अम्बल का पैशन बॉटनी के लिए कैसे ग्रो हुआ। शुरुआती दिनों में उनका बायोलॉजी की तरफ लगाव बढ़ा उनके मैटरनल अंकल जॉन हैनिटन की वजह से, जो कि खुद एक एंटोमोलॉजिस्ट थे। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पढ़ने में अच्छी थी, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी अच्छे से गाइड और मेंटरिंग की और उनका रुझान बॉटनी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सन 1920 में जब भारत में गुड़ की जगह घर में चीनी का उपयोग बढ़ रहा था, उस समय ये चीनी बनाने के लिए जो शुगर केन यूज होता है, जिसके अंदर ज्यादा मिठास होनी चाहिए, वो भारत में नहीं मिलता था। भारत में शुगर केन होता था लेकिन उसमें इतनी मिठास नहीं होती थी। तो ये ज्यादा मिठास वाला शुगर केन साउथ ईस्ट एशिया के एक देश पापुआ न्यू गिनी से मंगाया जाता था। इस वजह से थोड़ा उसका प्राइस ज्यादा होता था। अब इसका क्या समाधान था, कैसे इस प्राइस को कम किया जाए और इस शुगर को घर घर तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर जानकी अम्बल को बॉटनी की एक नई फील्ड के बारे में पता लगा जिसका नाम था प्लांट साइटोजेनेटिक्स। इससे वो भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से ज्यादा मिठास वाले शुगर केन को इंडिया में ब्रीडिंग के थ्रू ग्रो कर सकती थी। बस यहीं से शुरू हुआ उनका बॉटनी का सफर, या यूं कहें उनके पैशन प्लांट साइटोजेनिक्स का। प्लांट साइटोजेनिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स, देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पैथोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एंड ऑल्सो अ मीन्स टू डायग्नोज और टेस्ट फॉर अदर डिजीजेस। हाउएवर, genetics deals primarily with the patterns of inheritance of specific traits of concerned plants. USA mein apni padhai puri karne ke baad, she became a professor of botany at the Maharaja's College of Science in Trivandrum from 1932 to 1934. In 1934, she joined as the geneticist at the Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, where she created a new variety of sugarcane called Saccharum erianthus, Saccharum Z, Saccharum sorghum and Saccharum imperata, also technically called as SG6332, through experimental breeding and accomplished her dream of developing indigenous sugarcane.
She made significant investigations on cytogenical studies of sugarcane and eggplant, that is brinjal, and traced the evolution of these crops. Her pioneering work on cytogenetics of sugarcane and hybrids involving sugarcane and related grass species like bamboo is still considered as an outstanding discovery in the field of botany. Dr. Janki Ammal was an internationally recognized botanist for her extensive research and writings on sugarcane. Her studies on chromosomes facilitated better understanding of the evolution of species and various varieties of plants. In 1935, she became the first Indian woman to be elected to the fellowship of the Indian Academy of Sciences. In 1939, she went to Edinburgh for 7th International Congress of Genetics. Lekin tab tak Second World War shuru ho chuki thi aur unhe wahi rehna pada. Lekin इस एडवर्सिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया एंड शी स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट साइटोलॉजिस्ट एट द जॉन इन्स हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूशन इन मर्टन लंदन और वहां पर 1945 में उन्होंने सीरी डार्लिंगटन के साथ एक किताब द क्रोमोसोम एटलस ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट्स लिखी विच अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ बॉटनिस्ट वर्ल्ड ओवर. She was recognized for her work not only abroad but in India as well. In 1951, Pandit Jawaharlal Nehru, jo ki us samay ke Prime Minister the, ne Dr. Janki Ammal ko invite kiya Botanical Survey of India ko reorganize karne ke liye. Aur wo bani First Lady Director of Botanical Survey of India and was awarded the Birbal Sahani Medal in 1961. Dr. Janki Ammal was awarded the Padma Shri by the President of India in 1977 for her exemplary work in the field of botany and plant cytogenetics. आपको जानकर के खुशी होगी कि उनके नाम पर इंग्लैंड में एक फ्लावर का नाम रखा गया है जिसका नाम है मैग्नोलिया स्कोबस जानकी अम्मल और भारत सरकार ने सन 1999 में डॉक्टर ईके जानकी अम्मल के सम्मान में एक अवार्ड की शुरुआत की जिसको कहा जाता है ईके जानकी अम्मल अवार्ड विच इज गिवन टू जूनियर एंड सीनियर वुमेन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो प्यारे दोस्तों, ना ये मायने रखता है कि आपने कहाँ जन्म लिया, कहाँ से पढ़ाई की शुरुआत करी, किससे प्रेरणा मिली, किसने साथ दिया, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आईं. मायने रखती है तो सिर्फ एक बात, और वो ये कि आपने इस सोसाइटी के लिए क्या किया, कितनी मेहनत करी अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जिससे पूरी सोसाइटी का भला हो सकता है. शायद साइंटिस्ट बनने के लिए ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए. आज के इस एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. नमस्कार. आकाश एडु टीवी इज नाउ अवेलेबल ऑन फोन फॉर रजिस्टर्ड जियो सिम यूजर्स. जस्ट डाउनलोड द जियो टीवी ऐप and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540-52467.